प्रक्रिया में निश्चित रूप से कठोर दंड जो न्याय संगत होगा वो निश्चित रूप से उसको मिले। इसकी पुलिस ने पूरी छानबीन भी की है, तफ्तीश भी की है और उनको गिरफ्तार भी किया, उनके जो निर्माण थे उनको भी ढहाया गया, क्योंकि माननीय भजनलाल जी ने पहले ही दिन कहा हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, अपराधी के खिलाफ काम करेंगे। तो अपराधी के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से जिला प्रशासन और परिवार आपस में सामंजस्य बैठा रहे हैं। मेरी परिवार से भी और सभी से अपील है कि निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई होगी, शांति बनाए रखें और धैर्य से काम लें। देखिए आरोपी नाबालिग लेकिन पिता जो हैं उन पर भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी, तो आगे ये फैसला जल्द से जल्द हो। सरकार चाहेगी कि फास्ट ट्रैक तरीके से इस पूरे मामले का निपटारा हो। जो भी न्याय संगत होगा वो सारी कार्रवाइयां की जाएगी। एक बार और चाहेंगे आप अपील करें शांति और व्यवस्था पूरी तरह से। देखिए मेरी ओर मैं सभी उदयपुर वासियों से और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे सभी से मेरी अपील है कि ये दुख है कि हम बच्चे की जान नहीं बचा पाए, लेकिन सरकार ने भरसक प्रयास किए, जयपुर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजे, उदयपुर और वहां के जो लोग थे लगातार डॉक्टरों की निगरानी में बच्चा रहा, जो इलाज बेहतर दे सकते थे वो बेहतर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने इलाज देने का काम किया, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन परिस्थितियों में सभी लोग धैर्य से काम लें, शांति बनाए रखें, निश्चित रूप से सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। पीड़ित परिवार के साथ सरकार है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भरोसा भी आप देते हैं, आगे चलकर जो वो चाहेंगे वो पूर्ति होगी। देखिए हम पहले ही दिन से कह रहे हैं न्याय संगत जो भी होगा वो सारी कार्रवाइयां होंगी, अपराधी के खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की है, गिरफ्तार किया है, दूसरी चीजें की हैं। सरकार ने इलाज में कतई कोताही नहीं बरती, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निगरानी किए हुए थे, बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, डॉक्टरों से स्वयं ने बात की और बच्चे को बेहतर इलाज मिले इसकी व्यवस्था की, लेकिन हमारा दुर्भाग्य उसकी हम जान नहीं बचा पाए। मेरी पुनः सभी से अपील है धैर्य बनाए रखें, एक चीज बनाए। एक चीज और सर, ये देखिए स्कूल में बच्चा लेकर गया चाकू, स्कूल प्रबंधन प्रशासन कहां तक वो देखेगा, क्या कितना घर परिवार के लोग देखेंगे, आगे से स्कूल में सर इस तरह की कोई प्रवृत्ति, इस तरह की कोई घटना ना हो, बच्चे भी डरे सहमे इस घटना के बाद हैं, तो इसको लेकर सरकार आगे किसी तरह से विचार करेगी कुछ नीति लाने पर। देखिए आज के समय पर इतना ही कहना चाहूंगा, दुखद घटना है जी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो ये सरकार कदम उठाएगी निश्चित रूप से, लेकिन आज की जो घटना है इस पर सभी से मेरी अपील है धैर्य से काम लें, शांति बनाए रखें, हमारी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ, सरकार पूरी तरह से उस परिवार के साथ खड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जवाहर सिंह बेडम जी न्यूज 18 राजस्थान से बात करने के लिए, और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हमने कुछ देर पहले आपको जस्ट कुछ सेकंड्स पहले वो तस्वीरें दिखाई, छात्र की परिजन उसके रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर एक दुख का पहाड़ तो 16 अगस्त के ही पड़ा था जब इस छात्र की के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, और आज जो भी दुआ थी डॉक्टरों की दवा और यहां ईश्वर जो धरती का है उससे भी दुआ की, जो ईश्वर है उससे भी दुआ की, लेकिन दुआ और दवा काम नहीं आ सकी और ये छात्र नहीं बचाया जा सका। कपिल श्रीमाली, मैं उम्मीद करता हूं अगर हमारे साथ हैं तो उनसे जानना चाहूंगा, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, स्ट्रेचर पर ले जाते हुए पूरी डॉक्टरों की टीम वहां पर और पुलिस के भी वहां पर कर्मी मौजूद हैं, ये रोते बिलखते परिवारजन, बच्चे की माँ और बाकी महिलाएं भी देखी जा सकती हैं। ये जब ले जा रहे थे ये अब किस वक्त की तस्वीरें हैं, क्या जब इलाज के लिए ले जा रहे थे या किस दौरान की ये बात है, इसमें थोड़ा और अपडेट अभी आएगी तभी हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे, लेकिन बच्चे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अस्पताल के अंदर की जब स्ट्रेचर पर छात्र को ले जाया जा रहा था। कपिल आप हैं हमारे साथ? अच्छा, तो ये बता देते हैं हम आपको, ये जब बच्चे का इलाज था, ये पुरानी तस्वीरें हैं, इसमें हम थोड़ा सुधार करते हैं, जब बच्चे को घायल होने के बाद ले जाया जा रहा था अस्पताल में इलाज के लिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें पुलिस जाब्ते की आप देख रहे हैं बाहर,
ये भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है, खुद एसपी और कलेक्टर वहां पर मौजूद हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने, उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। न्यूज 18 राजस्थान ने बात की उदयपुर से ही ताल्लुक रखने वाले, उदयपुर से ही आने वाले, और फिलहाल पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से उन्होंने कहा कि हर संभव कोशिश की गई सरकार की तरफ से इलाज बेहतर से बेहतर मुहैया कराने की, छात्र को अच्छे से अच्छे डॉक्टर की निगरानी में रखने की। लेकिन ये दुखद है और इस दुख की घड़ी में सभी परिवार के साथ हैं। कपिल श्रीमाली भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार इस वक्त। कपिल, और क्या अपडेट आ रही है? पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, हालांकि पोस्टमार्टम से ही पता चल पाएगा जब रिपोर्ट आएगी कि एक्चुअल यानी एग्जैक्टली वजह क्या रही जान जाने की इस छात्र की। लेकिन जो हम खबर पहले चला रहे थे डॉक्टरों की जानकारी के हवाले से कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर में दिक्कत आ रही थी और वो एक बड़ा कारण हो सकता है छात्र की जान जाने का, चाकू लगने के बाद तो जो स्थिति बनी और निर्मित हुई। देखिए, फिलहाल पोस्टमार्टम की तैयारी पूरी है, लेकिन पहले परिवार के सदस्यों से समझाइश की जा रही है और उसके बाद में डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। कपिल, ये भी बताएं, इस वक्त पूरे परिवार के लोग वहां पर मौजूद होंगे और पुलिस जाप्ता जो पहले से मौजूद था, तैनात था, वो भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ वहां पर मौजूद होगा? एसपी कलेक्टर अभी भी वहीं पर हैं? कपिल श्रीमाली से एक बार संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कपिल श्रीमाली यही बताते हुए, ये समझाते हुए, क्योंकि जानकारी निकलकर ये सामने आई कि मृतक छात्र की मां का यह कहना कि शव लेने से परिवार जनों की तरफ से इनकार किया गया, यह कहा गया कि आरोपी को फांसी मिले, फांसी की सजा हो, उसी के बाद वो शव लेंगे। और हमने जब बात चाहे गृह राज्य मंत्री से की या फिर गुलाब चंद कटारिया जी से की, उनका यही कहना कि कानून सम्मत जल्द से जल्द ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो, ये पूरी कोशिश हमारी होगी और कानून सम्मत ही जो है कार्य होगा। लेकिन ये परिवार का दुख समझा जा सकता है, ये इस वक्त जिस तरह से वो बीत रहा है, दुखों का पहाड़ जो परिवार के ऊपर टूटा है, बिल्कुल परिवार के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे कि बस चार दिन पहले तक जिस बेटे को तैयार करके माँ ने स्कूल में भेजा होगा, जिस बेटे का लंच पैक करके उसको दिया होगा और कहा होगा कि बेटे दोपहर को जब आओगे तो तुम्हारे लिए मैं ये खाना बनाऊंगी, एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी ये एक मां ही समझ सकती है, ये मां ही जान सकती है। और जब मां को ये पता चला कि इस वक्त मेरा बेटा जिंदगी गंवा चुका है, वो अब जिंदा नहीं है, तो इस मां पर क्या बीत रही होगी। और उसके मुंह से यही निकल कर सामने आ रहा है कि हम तब तक शव नहीं लेंगे, हम जब तक मेरे बेटे के आरोपी को फांसी की सजा ना हो पाए। लेकिन कानून है, कानून अपना काम अपनी गति से करता है। फिलहाल समझाने बुझाने की कोशिश परिवार जन के की जा रही है, चूंकि एसपी और कलेक्टर पहले से ही वहां पर मौजूद और स्थिति परिस्थिति को वो पहले से ही बेहतर तरीके से समझते हैं। वहां डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की कोशिश कर रही है और पोस्टमार्टम पर ले जाने से पहले परिवार के लोगों को समझाते हुए, उन्हें बनाते हुए, उन्हें बताते हुए कि हमारी पूरी कोशिश थी, हमारी पूरे प्रयास थे, हम लगातार एक एक पल कोशिश कर रहे थे कि आपके बेटे को सुरक्षित आपके पास फिर से लेकर जाएं, लेकिन हमारी मेहनत, हमारा हुनर, हमारी तकनीक काम नहीं आ पाई और उस ईश्वर से जो आपने दुआ की थी वो भी काम नहीं आ पाई। और उनको मनाते हुए पूरे वहां पर लोग भी देखे जा सकते हैं। कपिल श्रीमाली लगातार एक एक अपडेट यहां पर देते जा रहे हैं। कपिल, आप बता रहे थे पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं डॉक्टर, उससे पहले परिवार के लोगों को मनाया जा रहा है। देखिए, डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है और मोर्चरी में डेड बॉडी जो है वो इस समय शिफ्ट कर दी है। कुछ ही क्षणों पहले दूसरे गेट से जहां पर पूरा जाप्ता लगाया गया था वहां किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं रहा, पहले चलता रहा कि यहां से डेड बॉडी बाहर आएगी, लेकिन आईसीयू के समीप एक दूसरा गेट जो था वहां से बाहर निकालकर उसे मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है। वो डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया और जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है आप देखिए कि क्योंकि पहले से मेडिकल टीम यहां पर तैयार थी, सारी फॉर्मेलिटीज लगभग पूरी की जा चुकी है, तो पोस्टमार्टम जो है वो भी अब जो है कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। मेडिकल टीम द्वारा कुछ ही समय में पोस्टमार्टम कराकर बॉडी जो है वो परिजनों के सुपुर्द की जाएगी। हालांकि
कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ भीड़ अचानक से यहाँ आई, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, 25-30 लोग जो है वो मौजूद है। उन्होंने अचानक से डेड बॉडी जब मोर्चरी में शिफ्ट की गई तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जो डेथ है वो पहले हो चुकी थी लेकिन अब तक इसे छुपाया जा रहा था। हालांकि जो अलग अलग जगह से जो डॉक्टर आए उन सभी ने भी पुष्टि की थी कि स्टेबल स्थिति में है, किसी तरह से बच्चे के लिए अफवाहें ना फैलाई जाए। लेकिन अब जब बच्चे के निधन की जानकारी आ गई है, इस बात की पुष्टि हो गई है कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो इन लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और इनका कहना है कि पुलिस द्वारा झूठ बोला गया, बच्चे की स्थिति को लेकर लगातार झूठ बोला गया, जबकि ये जानकारी पहले से बाहर आ रही थी कि बच्चा जो है वो पहले ही दम तोड़ चुका है, उसे सिर्फ माहौल शांत करने के लिए उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, इस तरह की अफवाहें चल रही थी। लेकिन अब लोगों का जो आक्रोश है वो मोर्चरी के बाहर देखने को मिल रहा है। जी, और SP कलेक्टर अभी वहां पर मौजूद है, सभी बड़े अधिकारी, चाहे वो SP हो, कलेक्टर हो या फिर और भी जो बड़े अधिकारी है, सभी बड़े अधिकारी मौके पर इस समय मौजूद हैं, स्थिति पर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि लोगों का जो आक्रोश है वो जरूर यहाँ फूटा है, लोगों का जो गुस्सा है वो अचानक से फूटा है, और उनका कहना है कि जो पुलिस द्वारा जो जानकारियां दी गई थी वो जानकारियां जो है वो गुमराह करने वाली थी, इसीलिए लोग आक्रोशित हैं। बहरहाल जो चिकित्सकों का जो कहना था कि लगातार स्थिति स्टेबल थी और स्टेबल स्थिति के चलते जो बच्चा है उसके लिए कोशिश की जा रही थी कि उसे बेहतर स्थिति में लाया जा सके, इसको लेकर प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे थे। लेकिन कपिल, और ये भी जैसा आपने पहले बताया था कि सिर्फ मरीजों को ही बाहर से अब अंदर एंटर करने दिया जा रहा है, मतलब और कोई अननेसेसरी या अनावश्यक व्यक्ति को एंट्री अस्पताल परिसर में नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, किसी भी तरह से कोई एंट्री नहीं दी जा रही, जो लोग पहले प्रवेश कर चुके हैं वो अंदर जरूर, समाज के जो कुछ लोग हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हॉस्पिटल के जो दोनों प्रवेश द्वार है दोनों प्रवेश द्वार पर बैरिकेड लगाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं और पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया है। वो पुलिस का जाब्ता सिर्फ हॉस्पिटल आने वाले लोग या फिर इस मामले से संबंधित जो लोग हैं वही अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं, बाकी किसी की भी एंट्री अंदर नहीं करने दी जा रही है। जी, आज पीड़ित मृतक छात्र की बहनों ने उसकी कलाई पर राखी भी बांधी थी, ये दुआ की होगी कि भाई को लंबी उम्र मिले, लेकिन वो दुआ काम नहीं आ पाई। बिल्कुल, देखिए रक्षा सूत्र इसी कामना के साथ बांधा जाता है कि जो भाई है वो दीर्घायु हो और जीवन पर्यंत बहन की रक्षा कर सके। लेकिन यहाँ स्थिति आप देखिए कि भाई जो था वो जिंदगी और मौत से लड़ाई ICU में उस समय लड़ रहा था, तब बहनों ने इसी सोच के साथ राखी बांधी होगी कि उनका जो भाई है वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, और घर जब वो लौटे तो पूरी तरह से स्वस्थ हो, जो आशंकाएं सभी के मन में चल रही थी उसकी क्रिटिकल स्थिति को लेकर उन पर विराम लगे और जो भाई है उनका वो सही हो। लेकिन आप देखिए कि कुछ ही घंटों में जो सूचना आई है वो उन बहनों के लिए भी बेहद दुखद है, पूरे परिवार के लिए बेहद दुखद है। राखी का आज का दिन है, ऐसे में बहनों के लिए विशेष जो दुख का जो दिन है वो सामने आया है। आज के दिन उनके भाई के निधन की, जो कि 4 दिन से लगातार जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था, और कभी कभी ऐसी जानकारियां भी सामने आती थी कि उसके ब्लड प्रेशर में थोड़ा सुधार हुआ है, स्थिति स्टेबल है, डाउन हो अभी तक नहीं हुई है, जबकि माना जा रहा था कि उसकी स्थिति में लगातार गिरावट आएगी, लेकिन वो नहीं हुई। तो कुछ अच्छी जानकारियां भी इन 4 दिनों में सामने आई, लेकिन आज दोपहर बाद में लगातार स्थिति में गिरावट हुई, और अब जो जानकारी सामने आई है सभी के सामने है कि जो बच्चा 4 दिन से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। बिल्कुल, और कुछ तस्वीरें आप की टीम की तरफ से भी, यानी हमारे उदयपुर संवाददाताओं की तरफ से भी आपके जरिए भेजी गई थी, जिसमें हम देख रहे थे कि स्कूल परिसर में इनके सहपाठी, इनके साथ पढ़ने वाले छात्र के और बाकी स्कूल के छात्र छात्राएं भी नीचे दरी पर बैठ के दुआ मांग रहे थे ईश्वर से जल्द स्वस्थ हो, उसके बेहतर स्वास्थ्य की कामना हो। तो स्कूल में भी प्रार्थना की गई, हर तरफ दुआओं का दौर चला इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही हंसता खेलता वापस लौटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इस वक्त की लगातार अपडेट देते हुए कपिल श्रीमाली, पहली खबर ये कि छात्र की जान नहीं बच पाई है, छात्र को नहीं बचाया जा सका, लगातार डॉक्टरों की टीम
जुटी हुई थी, लेकिन छात्र जो कि 16 अगस्त को अपने ही साथ पढ़ने वाले एक छात्र के चाकू के हमले में घायल हो गया था, लगातार खून बहने से उसकी स्थिति क्रिटिकल हो गई थी, स्टेबल हालांकि स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन आज दुखद यह खबर निकलकर अब से कुछ देर पहले आई कि छात्र जिंदा नहीं बच पाया, उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरी बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई कि जाहिर तौर पर अगर परिवार का अपना बेटा गुजर जाता है, अपना चिराग अगर बुझ जाता है, तो क्या कोहराम परिवार के अंदर मच जाता है। माँ का परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब तक फांसी की सजा नहीं आरोपी को दी जाती तब तक हम शव नहीं लेंगे। तीसरी खबर ये, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था छात्र को, लेकिन पहले परिवारजनों को ढांढस बंधाने के लिए, उनको संयमित करने के लिए, उनको समझाने बुझाने के लिहाज से मॉर्चरी में अभी छात्र के शव को शिफ्ट किया गया है। ये तीन तारीखें जो अलग अलग घटनाक्रम बताते हुए 16 अगस्त की वो तारीख, 16 अगस्त का वो दिन जिस दिन सुबह 10:30 बजे। अच्छा, इस बीच हमारे साथ झाबर सिंह खर्रा राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, वो जुड़ चुके हैं। खर्रा साहब, हम सभी दुआ कर रहे थे बच्चा सुरक्षित अपने घर परिवार में समाज में लौटे, लेकिन ये दुखद खबर आई उसकी जान नहीं बच पाई।